हेलो फ्रेंड कैसे आप लोग और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो है इनकम टैक्स के रिगार्डिंग देखिए पहले नॉर्मली क्या होता था इनकम टैक्स रिटर्न आप नॉर्मली फाइल करते थे और नॉर्मली इनकम टैक्स होता था बट अभी इसमें नया अपडेट आने वाला है जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं For being open-minded about how these steps can be taken forward, and with with, this announcement that that which we have come up with, that within six months, अब इसके हम डिस्कस करते हैं कि जो नया टैक्स आने वाला है उसमें हमारे मेन मेन पॉइंट्स क्या है और कैसे आप उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा तो देखिए सबसे पहले जो इनकम टैक्स है जो हमारा डायरेक्ट टैक्स कोड होगा जिसको हम टू थाउजेंड ट्वेंटी फर्स्ट है वो सिम्प्लीफाइड एंड सिंपल लैंग्वेज होगा इसमें प्रोविजन के चांसेस अभी तक जो बताया गया उसके हिसाब से कम होंगे सेकेंड इंक्रीज टैक्स बेस मीन्स क्या होता है नॉर्मली अगर आप आई टी आर फाइल कर रहे हैं तो नॉर्मली जो इंडिया में है उसमें सिर्फ एक परसेंट लोग ही आई टी आर फाइल करते हैं ठीक है मार्जिनल टैक्स टिल फिफ्टी लैक्स एग्जैम्प्ट हो जाएगा इसमें कॉन्सेप्ट है नो एग्जम्पन एंड डिडक्शन और इंसेंटिव मतलब ए टी सी ए टी डी ये सारे एग्जैम्पन ख़त्म हो जाएंगे क्रॉस रेस्टम्स हो जाएंगे ऑल कंपनीज के लिए एक टैक्स रिजीम हो जाएंगे ये सारे चीज़ें हैं अब इसके ऊपर हम डिस्कस एक एक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो देखिए जो जो हमारा पुराना था जो इनकम टैक्स है उसको चेंज करने का क्यों जरूरी है क्योंकि देखिए पहले क्या थे बहुत सारे इसमें कॉम्प्लिकेशन थे लोगों को समझ में नहीं आता था इसमें इतने सारे आर्टिकल्स थे या वो सब बहुत प्रॉब्लम होती थी तो इसको सिंप्लिसिटी किया गया है जो फर्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट रिड्यूस लिटिगेशन लिटिगेशन को रिड्यूस करने के लिए क्योंकि जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट थे उसमें लिटिगेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था डिपार्टमेंट को भी और एक लॉन्ग डिस्प्यूट चलता रहता था इसमें नेक्स्ट आया था ग्लोबल uh, अलाइनमेंट के लिए कि अगर आपको मार्केट में वर्ल्ड में आपको टॉप पे आना है तो उसके रिगार्डिंग भी एक रिक्वायरमेंट थी कि आप नया टैक्स के रिगार्डिंग आप एक नया लेके आए जिससे आपको भी ईजी हो ईजी ऑफ कॉम्प्लाइंसेस कॉम्प्लाइंसेस भी लोगों के लिए ईजी हो <laughs> तो ये सारे पॉइंट थे जिसके बेसिस में इनकम टैक्स को चेंज करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी जो अब इसमें आ जाता है कि आपका जो नेट डायरेक्ट टैक्स कोड है ये कब से चल रहा है तो देखिए जो सबसे पहला जो इसको, इसको स्टार्ट किया गया था ये 2009 में किया गया था जिसको फर्स्ट ड्राफ्ट डीटीसी बोला गया है ये हुआ था रिप्लेस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में ये 2009 से चल रहा है कि इसको चेंज करना है चेंज करना है बट उसके बाद 2010 में या रिवाइज डिस्कशन किया गया था पे पेपर वाइज रिलीज किया गया तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि कौन सा पेपर था उसके बाद 2013 में हुआ है फिर 2017 में मेन इंपॉर्टेंट था जो सिक्स मेंबर टास्क फोर्स किया गया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए आप ये आपका जो 2017 में हुआ था ये टास्क था इसमें जो हमारे मेन थे वो श्री अरविंद मोदी जी जो मेंबर हैं लेजिस्लेशन के सी के ये थे इसके अलावा सिक्स पर्सनस और थे जो हाई एस्ट आई एस थे ठीक है ये सारे चीज़ें इनके ऊपर चेंजेस के लिए आया था इसके बाद एक ऑफिशियल ऑर्डर भी आया था ये देखिए जो 2010 में था इसमें शायद द डायरेक्ट टैक्स को 2010 ये सारी चीज़ें आपको मैं लिंक में भी दे दूंगा जिससे आपको इजी हो जाएगा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या क्या था इसमें सारे डिडक्शन दिए हुए सब कुछ दिया हुआ है तो आपको इजी हो जाएगा अगर आपको प्रॉपर रीड करना है तो आपके लिए ईजी है तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं उसके बाद टू में इसमें मेन डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या गया था क्योंकि टू में आपको ऑलरेडी पता होगा कि जी भी 2017 में ही इंडिया में हुआ था स्टार्ट उसके बाद टू में इसको अनाउंसमेंट किया गया जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था इसमें था सारे डिटेल्स थे कि कैसे कैसे इसको इशू किया जाएगा और कब से उन्होंने बोला था कि हम विद इन सिक्स मंथ्स में इसको अब स्टार्ट कर देंगे तो ये 2015 में एक अप्रैल 2015 से स्टार्ट हो जाएगा और ये बजट में आ जाएगा इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें अब आ जाता है डायरेक्ट टैक्स कोड देखिए अब इसमें क्या क्या था लेस लेस इसको मेन ये था कि जिससे कि लोगों को ईजी हो जाए कि समझने में ईजी हो जाए मेनली तो ये चीज़ था मोर फ्रेंडली हो जाए और लोग ईजिली समझ जाए क्योंकि इनकम टैक्स में इतने सारे एक्ट थे प्लस उसके आ, सब पॉइंट्स थे तो ये सारी चीज़ें समझने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी अब ये था इनकम टैक्स एक्ट 1961 और डायरेक्ट टैक्स है आ, को डीटीसी तो इसमें था देखिए प्रोविज़न एंड एक्सप्लेसन इन एवरी सेक्शन एवरी सेक्शन में कुछ प्रोविजन थे प्लस उसके एक्सप्लेनेशन थे अब इसमें जो डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स आ रहा है उसमें क्या होगा नो प्रोविजन होंगे और नो no एक्सप्लेनेशन होंगे ईजी होंगे समझने के लिए उसके लिए इसमें जो रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए था रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंसियल नॉन ऑर्डनरी रेसिडेंशियल इसमें रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल सिर्फ दो रहेंगे उसके बाद असेसमेंट और फाइनेंशियल ईयर पहले क्या होता था असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल होता था अब उन्होंने सिर्फ इसमें जो डायरेक्ट टैक्स होगा उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर होगा उसके बाद टैक्सेसन ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम सर्टेन इनकम फ्रॉम एल आई सी एंड म्यूचुअल फंड एग्जेम्प्टेड था इसमें टैक्सेबल एट फाइव परसेंट रहेगा प्लस एग्जाम फ्रॉम लिस्टेड शेयर अब इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स चेंज कर दिए गए हैं जैसे डिविडेंड के रिगार्डिंग हो गया 15 परसेंट उसके अलावा टैक्स फॉर अल्ट्रा रिच 30 परसेंट था प्लस सब चार्ज फिफ्टीन परसेंट तो ये 45 के अप्रॉक्स टोटल इसमें 35 परसेंट कर दिया गया नेक्स्ट आ जाता है आपका कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट कौन कर सकता था सिर्फ सी कर सकते थे अभी सी एस एंड एडवोकेट सी डब्ल्यू ये तीन चीज़ें तीन परसेंट ही कर सकते हो पहले एक ही करते थे अब फ्यूचर अब क्या है क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा कि लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें हैं इसमें ये चीज़ें ट्रांसपेरेंसी सब कुछ आ जाएगा रिड्यूस लिटिगेशन जो सब इटिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है मोट मोडलाइजेशन भी हो गया उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी इजी है तो ये सारे चेंजेस आए हैं अभी जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें आते जाएंगे अपडेट वो हम आपको टाइम टू टाइम इसमें सारे पॉइंट्स बताते जाएंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी इस चीज़ के बारे में अपडेट होते रहे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा थैंक यू एंड दे